आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद के निर्देशक में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन के निर्देशक में थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा चरस विक्रेता हसीना पत्नी मोहम्मद आजम और बाबू निवासी मोहम्मद मीना नगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को 500 ग्राम चरस सहित गिरफ्तारी की गयी, जो वर्ष 2004 से उक्त अपराध करने में संलिप्त है। साथ ही कई बार पूर्व भी जेल जा चुकी है, लेकिन उक्त अपराध करने में लगातार संलिप्त है। वही उक्त अभियुक्त का मुख्य कार्य चरस व स्मैक बेचना है। इसके उक्त कार्यों से समाज में दिन प्रतिदिन लोग नशे के आदि होते जा रहे हैं, जिससे इसका समाज में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा आज सुबह हसीना के घर के पास गली से चरस को बेचने ले जाते समय नियम अनुसार गिरफ्तारी की गई। पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मझोला के पुलिस स्टेशन, जो कि पूर्व में भी जुए के और इनके संबंध में कदमों में जाए वो पुनः की हो गई, इसी संबंध इंस्पेक्टर मझोला द्वारा टीम बनाकर उस पर जब घेराबंदी की गई, तो आज वो आ जाके चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जो अभी तक सूचना आई है वो ये थी कि वो अपनी घर से एजेंसी को से जो सप्लाई करती और बाकी पूछताछ उससे की जा रही है कहाँ कहाँ उसे सप्लाई करता, वो अच्छा जो है उस समय गिरफ्तार करें।